हेलो एवरीवन, दिस इज मंजू मोंगिया। हम करेंगे चैप्टर 5th अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की असाइनमेंट 5.1। पिछली वीडियो में हमने किया क्वेश्चन 4th और 5th, जिसमें हमने किया मोनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल, मोनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल, ठीक है। तो हम 7th क्वेश्चन में करेंगे बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल। यहाँ भी दो टर्म होंगी और यहाँ भी दो टर्म होंगी। हम देखते हैं एग्जाम्पल, ए प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई। अब ये भी बाइनोमियल टर्म है और ये भी बाइनोमियल है, तो इसमें देखते हैं हम। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो फर्स्ट टर्म है इसको दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ए को एक्स से भी करेंगे और ए को वाई से करेंगे, फिर हम बी को एक्स से करेंगे और बी को वाई से करेंगे। तो हम एक ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे और दूसरे को हम क्लोज रहने देंगे। तो ए इसका हमने ए ले लिया और एक्स प्लस वाई, सेकेंड ब्रैकेट को हम क्लोज रखेंगे, फर्स्ट को हमने ओपन कर लिया। फिर सेकेंड हमारा प्लस बी, फिर हम इसको सेकेंड ब्रैकेट को इधर रख देंगे एक्स प्लस वाई। अब ए से हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस बी से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ए को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स, और ए को वाई से करेंगे ए वाई, फिर हम बी को एक्स से करेंगे बी एक्स, फिर हम बी को वाई से करेंगे तो हमारा आ जाएगा बी वाई। ये हमारा हो गया बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल। अब हम करेंगे क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट, लेट्स सी। हाँ जी, हमारा क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पार्ट है एक्स वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई जेड। तो ये भी बाइनोमियल है और ये भी बाइनोमियल है, हमने बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। इसका जो फर्स्ट ब्रैकेट है इसको हम ओपन कर लेंगे और सेकेंड को हम क्लोज रहने देंगे। एक्स हमने बाहर लिया तो सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज एक्स प्लस वाई जेड प्लस वाई। अब हमने एक्स को इनसे मल्टीप्लाई कर देना है, एक्स मल्टीप्लाई एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स मल्टीप्लाई वाई जेड तो एक्स वाई जेड प्लस वाई एक्स प्लस वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर जेड। अब देखो इसमें अगर लाइक टर्म्स हैं तो प्लस माइनस कर देंगे, अदरवाइज हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अब इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, सारे अलग अलग हैं, तो ये लाइन हमारी आंसर है। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। हाँ जी, हमारा नेक्स्ट पार्ट है 1/2x माइनस वाई इंटू 1/2x प्लस वाई। अब इसमें भी बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल है, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सेकेंड को क्लोज रहने देंगे। यहाँ पे माइनस वाई तो यहाँ लिखेंगे माइनस वाई, 1/2x प्लस वन, ठीक है। हमने सेकेंड ब्रैकेट को क्लोज रहने दिया और फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन कर दिया। अगर यहाँ प्लस होता है तो हम यहाँ प्लस वाई लिखते हैं, अगर यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पे माइनस लिख देते हैं। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, 1/2x को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2xy, माइनस वाई को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो क्या आ जाएगा 1/2xy माइनस प्लस माइनस वाई को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर। अब इसमें हम देखेंगे कोई लाइक टर्म है, एक्स वाई लाइक टर्म है, ये प्लस 1/2 है, ये माइनस 1/2 है, प्लस माइनस माइनस तो ये पूरी टर्म कट गई हमारी, तो हमारा आंसर आ गया 1/4x² माइनस वाई स्क्वायर। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। 7th क्वेश्चन का 5th पार्ट है हमारा a माइनस माइनस बी। यहाँ पे हम पहले साइन को ठीक करेंगे, a माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, क्योंकि जब दो साइन बिल्कुल आमने सामने होते हैं तो वो हमारा प्लस के साइन में चेंज हो जाते हैं। माइनस माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा हमारा प्लस वाई प्लस एक्स, तो यहाँ प्लस लगाने की जरूरत नहीं है, जिस नंबर के आगे कोई भी साइन नहीं होता वो अंडरस्टूड होता है कि वो प्लस हो गया प्लस वाई। अब हमारा बिल्कुल सेम बन गया जैसे हमने आपको एग्जांपल लिया था, तो यहाँ ए को बाहर लेंगे एक्स प्लस वाई, यहाँ बी को बाहर ले लिया एक्स इन एक्स प्लस वाई, मल्टीप्लाई कर दो ए एक्स प्लस ए वाई प्लस बी एक्स प्लस बी वाई, हमारा आंसर आ गया। अब हमारा नेक्स्ट जो 6th पार्ट है ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसमें भी आप पहले साइन को ठीक करेंगे, 1/2x माइनस माइनस प्लस
टू बाई फाइव वाई, वन बाई टू एक्स प्लस माइनस माइनस बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाइनोमियल, एक ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे और दूसरे को क्लोज रहने देंगे, वन बाई टू एक्स, वन बाई टू एक्स माइनस टू बाई फाइव वाई। अब यहाँ हमारा प्लस टू बाई फाइव वाई, हम यहाँ लिख लेंगे प्लस टू बाई फाइव वाई, वन बाई टू एक्स माइनस टू बाई फाइव वाई। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वन बाई टू को वन बाई टू से करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन बाई फोर एक्स रेज टू द पावर वन, और वन हमारी आ गई टू, माइनस वन बाई टू को हम टू बाई फाइव से करेंगे तो क्या आ जाएगा, वन टू जा टू और टू फाइव जा टेन एक्स वाई। अब टू बाई फाइव वाई को हम वन बाई टू एक्स से करेंगे तो टू वन जा टू, फाइव टू जा टेन, ऊपर का नंबर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे का नंबर हमने नीचे से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस, टू टू जा फोर, फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो एक्स वाई लाइक टर्म्स हैं, ये माइनस का साइन है और ये प्लस का, तो माइनस प्लस माइनस ये हमारा पूरा कट गया, तो हमारा आंसर आ गया वन बाय फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर। हाँ जी, ये था हमारा सेवंथ क्वेश्चन का लास्ट पार्ट, ये हमारी 5.1 कंप्लीट होती है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं या डाउट्स हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।